नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सुमुख। आज बात होगी नक्षत्रों की। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसके अधिष्ठाता देवता अर्थात इष्ट देवता यानी डेटी लॉर्ड वो अश्विनी है, अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार दो भुजाओं वाले हैं। इनको मान्यता अनुसार सूर्य एवं सविता के वाहन कहे जाते हैं और देवताओं के चिकित्सक भी हैं। अश्विनी नक्षत्र के बारे में ऐसा भी माना गया है कि ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान होते हैं यानी हाईली एनर्जेटिक, और वो सब कुछ देने में सक्षम होते हैं। इतने एक्टिव होते हैं कि इससे लोगों को जिस पेशे में ये हैं उनको काफी सुविधाएं होती हैं। यहां तक कि वो अपना फुल एनर्जी लगा देते हैं किसी भी काम को करने में। लेकिन कह सकते हैं हर नक्षत्र में जैसे अच्छी बातें होती हैं, साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए उनको। तो वो ये है कि हालांकि यह भी इनके लिए फायदे का ही सूचक है, परंतु वो अति ऊर्जावान एवं अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से बहुत जल्दी टूट एवं बिखर भी जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके अनुसार सब काम चलता रहे। लेकिन जिंदगी में आप जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हर चीज आपके अनुसार नहीं होता, कभी कभी आपको परिस्थिति अनुसार अपने आप को बदलना भी पड़ता है। तो ऐसे लोग परिस्थिति को अपने वश में करने का हुनर जानते हैं। लेकिन जो आप जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति की ओर है, तब कई ऐसे स्टेजेस आते हैं जिंदगी में जहां आपको समय अनुसार स्थिति अनुसार अपनी चाल बदलनी पड़ती है। तो इनको भी यही कहा जाता है, यही सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को थोड़ा सा संयम के साथ आगे की ओर ले जाएं, ताकि आपका ये जो ऊर्जावान नेचर है यह आपके काम आ जाए। नहीं तो ऐसे लोग प्रेशर में यानी दबाव में थोड़े से बिखर से जाते हैं। रही बात इनकी उन्नति की, तो जीवन में 27 से 28वां वर्ष तक इनको काफी परेशानी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई सभी में फुल एनर्जी लगाने में सक्षम होते हैं और अच्छा परिणाम भी ले आते हैं। 30 वर्ष के उपरांत से इनका जिंदगी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र के जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक अच्छे आदर्श मित्र एवं बहुत ही अच्छे जीवन साथी कहलाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। बात होगी आज भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता जो हैं वो है यम। यम को विवासत का पुत्र माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और ये दिवंगत आत्माओं का शासक भी है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के मृत्यु देने का जो हक है उसको भी यह डिनोट करता है। भरणी नक्षत्र की बात हो रही है, तो भरणी नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं स्वाभिमानी होते हैं, थोड़े एक्चुअली कहा जाए तो सेंसिटिव नेचर के होते हैं। शुक्र के नैसर्गिक गुण की वजह से, चूंकि शुक्र इनका देवता है, तो इस वजह से ऐसे लोग किसी बात को रखने के पहले चार बार सोचते हैं कि ये बात उन्हें बोलनी चाहिए अथवा नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों के मन को नहीं दुखाते हैं बल्कि उनके ये काम आ जाते हैं। इन्हें सहायता करना, लोगों के काम आना बहुत ही पसंद होता है। ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में कि भरणी नक्षत्र के लोग दूसरों को अच्छे मुकाम में पहुंचाने में काफी मददगार साबित होते हैं। इन वन वर्ड कह सकते हैं एक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं, मेंटर भी कह सकते हैं आप उनको। कोई अगर डिप्रेशन में है तो उनको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत ही मदद करते हैं ऐसे लोग। कहीं और अगर हैं ऐसे लोग, कहीं और निवास स्थान में भी हैं, तो कहीं दूसरों के लिए अगर कुछ परेशानी हो रही है तो वो उनको हर संभव मदद देने का प्रयास करते हैं, लेकिन चापलूसी नहीं करते। इन्हें चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में भी सक्षम होते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि शुक्र ग्रह के अधिपति देवता होने के वजह से रिलैक्सेशन या फिर
कह सकते हैं आप लग्जरी लाइवसली चलने की टेंडेंसी में होती है, जिस कारण कभी कभी स्लो हो जाते हैं। लेकिन जब एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि शुक्र को उग्र ग्रह भी माना गया है, तो फुल फ्लेजेड अपना इफेक्ट दिखाने में सक्सेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में एनर्जी काफी होती है, क्योंकि मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र आता है, तो ऐसे लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एंथुजियाज्म इनमें रहता है, किसी को भी एक बेटर दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अपनी जिंदगी में अगर उनकी वैवाहिक जिंदगी की बात की जाए तो पूरा दमखम लगा देते हैं, सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और अपने तरफ से जो योगदान देना हो वो देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा भी कहा गया है अगर कोई नारी भरणी नक्षत्र की है तो वो अपने परिवार के लिए गहना तक यानी अपने आभूषण तक बेचने में संकोच नहीं करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा गुण है जो इनमें पाया जाता है, अर्थात दुनिया को बैलेंस करने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दुनिया जो है वो बैलेंस पर चलती है, तो ये गुण इनमें विद्यमान होते हैं और किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। जैसा मैंने पहले कहा, शैक्षणिक योग्यता इनमें कम हो या अधिक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह पूरा दमखम लगा करके काम करते हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं। कृतिका नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता जो है वो अग्नि है। अग्नि मानव एवं सृष्टिकर्ता के बीच जो संबंध है उसका एक सूचक है। ऐसे लोग जो है बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं अपने काम को लेकर के, थोड़े बहुत जिद्दी प्रकृति के भी होते हैं, जिसको ऑब्स्टिनेट कहा जा सकता है, यानी ऑब्स्टिनेशन इनमें बहुत ज्यादा होता है। और अगर सक्सेस की बात की जाए तो वो सक्सेसफुल होने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट देने में पीछे नहीं हटते। ऐसा भी शास्त्रों में माना गया है और कहा गया है कि कृतिका नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं होते हैं वो अपने काम को करने के लिए चाहे जैसे भी हो, जो पद्धति भी क्यों ना हो, उसको अप्लाई करते हैं और थोड़े नए विचारधाराओं के होते हैं, हालांकि रूढ़िवादीताओं में जकड़े हुए भी होते हैं, अर्थात थोड़े से कॉन्जर्वेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें किसी भी जगह में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता जन्मजात होती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है इनमें वो है कि किसी भी काम को वो लेते हैं लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो काम इनको मोनोटोनस लगने लगता है, अर्थात मन उबाऊ लगने लगता है, जिस वजह से बाद में उस कार्य को अधूरा छोड़कर वो अन्य काम की ओर यानी किसी और कार्य की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि उनका एक नेगेटिव पोर्शन आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इस बात को हटा दिया जाए तो वैसे इस नक्षत्र में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, और मैं जैसा मैंने पहले कहा कि ऑप्टिमिज्म इनमें कूट कूट कर भरा होता है, यहाँ तक कि थोड़े से अहंकारी या स्वाभिमानी नेचर के भी होते हैं, अगर एक बार किसी काम को ना कर दिया तो फिर आप हाँ इनसे नहीं करवा सकते। लेकिन यही जो चीज है जिस काम को वो आधा अधूरा करके चूंकि उनको बोर लगने लगता है तो वो फिर दूसरी जगह जो स्विच कर जाते हैं, यही एक उनका नेगेटिव पार्ट है। अदरवाइज अगर पैसे कमाने की बात हो यानी धनोपार्जन की बात आए तो ऐसे लोग बहुत ही सक्षम होते हैं, यानी अर्थ उपार्जन की क्षमता इनमें अपूर्व होती है। किसी को भी अगर अर्थ उपार्जन यानी धनोपार्जन सीखना है तो वो कृतिका नक्षत्र के लोगों के साथ रहकर सीख सकते हैं कि किस शैली से यानी किस विधि से आपको धनोपार्जन करना है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। आप दुनिया में आए हैं, आपको चलने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए अर्थोपार्जन यानी धन की आवश्यकता होती है, जो ये बखूबी जानते हैं। और इनकी उन्नति जनरली 35 वर्ष के आसपास अर्थात 34 वर्ष के उपरांत होना आरंभ हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र की बात जब हो रही है तो रोहिणी नक्षत्र के जो देवता है वो है चंद्रमा। अब बेसिकली इनका नेचर क्या है कि ये लोगों के अधीन नहीं चल पाते,
ये स्वाधीन चेता विचार के होते हैं। दरअसल इनकी सोच बहुत ही खुली हुई होती है और यह डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। हालांकि बहुत ही शौकीन होते हैं खाना के, यानी विभिन्न तरह के खाना इनको चाहिए, भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, कपड़े बहुत ही अच्छे क्वालिटीज के होने चाहिए अगर पहनावे की बात की जाए तो, और अगर पढ़ाई लिखाई और भी रहन सहन की बात की जाए तो फिर वहां पर भी इनको हर तरह का सुख सुविधा चाहिए होता है। और अगर प्रकृति यानी नेचर की बात की जाए तो ऐसे लोग दूसरों की त्रुटि खोजने में बहुत ही समय निकाल देते हैं। दूसरों की गलतियां निकालना और गलतियों में से उनको बिल्कुल पॉइंट आउट करना यह काफी पसंद होता है। लेकिन जहां तक खुद की बात की जाए इनकी तो इन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। यहां भी कहा जाता है शास्त्रों में कि ऐसे लोग अगर गुस्से से भर जाएं तो शांत बहुत मुश्किल से होते हैं। तो यह क्रोध जो है इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे लोगों को बाहर से देखने पर ये गुस्से वाले प्रतीत नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मुखाकृति जो है बहुत ही प्रेजेंटेबल है और अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल होते हैं। लेकिन जो बात शास्त्रों में कही गई है वो 16 आने सच है, क्योंकि यह मुनि ऋषियों द्वारा गणना के आधार पर कही गई बातें हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, अर्थात मैंने जैसे कहा कि रोहिणी नक्षत्र के जो लोग हैं वो शौकीन होते हैं हर तरह के अच्छे व्यंजन यानी भोजन, हर तरह की अच्छी सुख सुविधाएं की जो वस्तु है यानी भौतिक सुखों को भोगते हैं पूर्ण रूप से। और पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सफल होते हैं, लेकिन अपने ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाते, अर्थात एक लिमिटेड एफर्ट देने के बाद इनकी क्षमता यानी शारीरिक क्षमता की मैं बात कर रहा हूं, वो देने में उतने हद तक सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन रोहिणी नक्षत्र का सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जो भारत के हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं सबसे सक्सेसफुल, वो हैं मिस्टर सौरभ गांगुली। तो वो रोहिणी नक्षत्र के ही हैं और आपने देखा है कि जिंदगी में उन्होंने सक्सेस किस तरह से पाया है, क्योंकि उनमें असाधारण क्षमताएं होती हैं अपने आप को पूर्ण रूप से पब्लिकली साबित करने की, और पब्लिक फेथ इन्हें जबरदस्त मिलता भी है। मृगशिरा नक्षत्र जो है इसका अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। चंद्रमा को वैसे मन का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि इसने बृहस्पति की पत्नी तारा का शील भंग कर दिया था, जिसकी वजह से बुध ग्रह का जन्म हुआ। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि बुध ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते चंद्रमा के घर पर जाकर, अर्थात कर्क राशि में। तो ऐसा कहा गया है, यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि जब चंद्रमा का मन पर इतना प्रभाव है तो सोचिए समस्त प्राणियों पर और विश्व जगत में चंद्रमा का महत्व कितना गहरा और विशाल है। मृगशिरा नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वो नए नए दोस्त बनाना, नए नए रिलेशंस क्रिएट करना, तो ये इनका शौक भी है और इन्हें काफी पसंद भी है। और लोगों से इस कदर घुल मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि उन्हें भी उतना अच्छा लगता है इनके साथ समय व्यतीत करना। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे लोग हर गुण संपन्न होते हैं। हर गुण संपन्न का मतलब है दैनिक क्रियाओं में हम जो तरह के काम करते हैं, जितने तरह के कामों से जुड़े हुए रहते हैं, घर से जुड़कर जितने काम हैं, हर कार्य में वे लोग इतने ही दक्ष होते हैं और उतनी ही दक्षता के साथ किसी काम को करने में सफल भी होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत क्रोध इनमें अधिक पाया जाता है और अपने गुस्से को नियंत्रण भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। लेकिन अगर क्वालिटीज की बात की जाए तो क्वालिटीज इनमें भरी पड़ी हैं। अगर रिसाइटेशन से रिलेटेड हो, अगर संगीत से रिलेटेड हो, वाद्य यंत्रों से रिलेटेड हो, खेल कूद से जुड़ करके हो, किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत अच्छा योगदान करने में पूर्ण सफल होते हैं। शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे लोग
थोड़ा सा संदेह दूसरों पर करते हैं, अर्थात तुरंत विश्वास नहीं कर पाते किसी पर। यह इनका नैसर्गिक गुण है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोष है, क्योंकि हर एक इंसान में यह क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। तो आज की दुनिया में किसी को तुरंत विश्वास कर लेना, ये बात मैं नहीं समझता सही होगा। तो अच्छी बात है, किसी को भी विश्वास कर रहे हैं आप तो थोड़े से जांच पड़ताल के बाद ही उससे जाकर जुड़े, तो इससे आपके धोखा खाने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। और अगर इनके शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वहां पर भी वो सफल होते हैं। शैक्षणिक योग्यता का मतलब सर्टिफिकेट से नहीं है, ऑन सर्टिफिकेट हो सकता है ये लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो, लेकिन ऐसे लोग व्यवहारिक जिंदगी में बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और उन्नति इनके जिंदगी में 32 वर्ष के उपरांत जरूर आती है और 42 के बाद इनको पूर्णतः अच्छे फल प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का इष्ट देवता जो है वो है रुद्र, यानी रुद्र को माना गया है। रुद्र जो है वो नाड़ी मंडल का अग्रज एवं इंद्र का अनुज है। तो रुद्र को ऐसा भी माना गया है मान्यता के अनुसार कि ये शिव का ही तांडव रूप है। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी महत्वता, इसकी विशेषता क्या है। अगर बात की जाए और विशेष गहराई में कि आर्द्रा नक्षत्र के क्वालिटीज क्या क्या हैं, तो ऐसे लोग जो बेसिकली आर्द्रा नक्षत्र से बिलोंग करते हैं, उनका स्वभाव चाहे नारी हो या पुरुष हो, वो किसी भी काम को करने के लिए अपना दमखम लगा देते हैं, लेकिन वो पहले सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं, अर्थात केंद्र बिंदु बने रहना चाहते हैं। चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, प्रशंसा करें, और बेसिकली इनको प्रशंसा मिलती भी है। वे किसी भी काम को बहुत ही दायित्व के साथ लेना पसंद करते हैं और दायित्वपूर्वक उस काम को निर्वाह भी करते हैं। ऐसा भी कहा गया है आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं, अर्थात इनको एंटरटेनमेंट भी खुलकर करने में मजा आता है। कभी कभी ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है इनके बारे में कि आर्द्रा नक्षत्र के जो लोग हैं, यानी नारी पुरुष दोनों ही, ये लोग किसी भी काम को करने में व्यस्त रहते हैं, अर्थात डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं करते। इनका फुल अटेंशन उस काम की ओर रहता है और अपना पूरा जोर काम को करने में लगा देते हैं, लेकिन अपनी बातों को खुले तरीके से पेश करना भी इनको पसंद है। जैसे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कहीं स्कूल या यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाई करते हैं तो थोड़े बहुत हेजिटेंसी रहती है हम लोगों को शिक्षक या फिर किसी प्रोफेसर लेक्चरर से बात करने की या अपनी बातों को उनके सामने रखने की, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र के जो लोग हैं वो अपनी बातों को खुले तरीके से पेश करने में, यानी दूसरों के सामने रखने में कभी भी हेजिटेंसी फील नहीं करते। यह बोल्डनेस इनमें जन्मजात ही पाया जाता है। ऐसा भी कहा गया शास्त्रों में कि ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, अपने लाइफ को एक दिशा देने के लिए तत्पर रहते हैं और तब तक प्रयासरत रहते हैं जब तक कि उनको सफलता नहीं मिल जाए, लेकिन इनको सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा कि इनको वक्त लगता है थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करवाने में, लेकिन आखिर में ये अपने मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड लेबर और कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जिंदगी की हर खुशी इनको 48 वर्ष के बाद ही मिल पाती है, क्योंकि कभी कभी इनके द्वारा कुछ एलिमेंट्री ब्लंडर हो जाता है जिसको कि यह ओवरलुक कर जाते हैं, जिस वजह से उसमें अमेंडमेंट नहीं ले आ पाते, और अपने अमेंडमेंट चूंकि नहीं ले आ पाते तो उसमें होमवर्क उनका पूरा नहीं हो पाता। अगर आर्द्रा नक्षत्र वाले अपने इस गलती का सुधार कर लें तो मेरे ख्याल से इनकी जिंदगी आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सक्षम तो है ही, वो एबिलिटीज इनमें भरी पड़ी है। पुनर्वसु नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता जो है वो अदिति को कहा जाता है, यानी डेटी लॉर्ड अदिति है। अदिति देवताओं की माता है, इन्हें दक्षराज की
पुत्री कहा गया है और देवताओं की माता, जैसे मैंने कहा। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग हैं वो बेसिकली धार्मिक प्रवृत्ति वाले स्वभाव के होते हैं। किसी को भी मदद पहुंचाना, सहायता देना, ये इनका कर्तव्य है, या फिर यूं कहें कि यह अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोग दूसरों को तकलीफ देने में कभी यकीन नहीं करते, यहाँ तक कि दूसरा कोई आदमी भी अगर किसी को व्यर्थ सता रहा हो और इनकी नजर उन पर पड़े तो फिर वो उनको बाधा देते हैं ऐसा करने में, या फिर रोकते हैं। रही बात इनके स्वभाव की, तो स्वभाव इनका नरम गरम अर्थात मिश्र रहता है, क्योंकि कभी कभी इनके विचार जो हैं, यानी विचारधारा जो हैं, वो बदलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी इंसान या आदमी के प्रति इनका थॉट जो एट द वेरी बिगिनिंग यानी शुरुआत में होता है, बाद में अपने विचारों को वो परिस्थिति के अनुसार बदल लेते हैं। तो ये एक अद्भुत चीज है, क्योंकि इसको कहते हैं लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इसीलिए इनको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि साझेदारी के जो बिजनेस है वो इनके लिए सफलता नहीं ले आते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी इनमें रहती है और ये अपने आप को पूर्ण रूप से सामने वाले के समक्ष पेश नहीं कर पाते, यानी थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। इसी वजह से शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि वैवाहिक जिंदगी में भी बहुत अधिक सुखी इनको नहीं दिखा गया है या नहीं पाया गया है, यानी कुछ कमी वैवाहिक जिंदगी में इनकी रह जाती है। रही बात अगर प्रोफेशनल फील्ड की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि साझेदारी बिजनेस जो है यानी पार्टनरशिप बिजनेस, इनको रास नहीं आता, क्योंकि इनके विचार जो है कभी कभी डबल माइंडेड जिसको कहते हैं हम, अर्थात कभी अच्छा सोच रहे हैं तो कभी नेगेटिव थॉट इनमें चली आती है। लेकिन अगर प्रोफेशनल फील्ड में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फिर प्राइवेट जॉब इनको ज्यादा सूट करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग अगर एस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को तो बहुत ही अच्छी तरह वहां पर सेट होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इनके बारे में या कहा जाए, तो ऐसे लोग अपने प्रतिभा को या प्रतिभा अनुसार कार्य करने में सक्षम है, लेकिन साझेदारी से इनको बचना चाहिए और कर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों में मुनि ऋषि द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे लोग अगर घर से दूरी पर जाकर के स्थित होकर अपने पेशे को आगे बढ़ाते हैं तो सक्सेस का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, बहुत ही उन्नति होगी। 38-39 की उम्र के बाद इनको जिंदगी में हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन 33 वर्ष की उम्र तक इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद इनके जीवन के रास्ते सुंदर और अच्छे बने रहते हैं। पुष्य नक्षत्र अर्थात पूषा नक्षत्र, पूषा नक्षत्र का जो अधिष्ठा देवता होते हैं वो बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति अर्थात देव गुरु, इनको देवताओं का गुरु भी माना गया है। पूषा नक्षत्र वालों में जो विशेषता पाई जाती है कि किसी भी डिसीशन मेकिंग में अर्थात निर्णय लेने की क्षमता की बात अगर इनकी की जाए तो सफल या असफलता तो दूसरी चीज है, ऐसे लोग उचित या त्वरित डिसीशन यानी निर्णय लेने में असक्षम पाए जाते हैं। शायद इनके अंदर में जो डर बिठा रहता है, डर का तात्पर्य मेरा यहाँ कहने से है कि वो किसी भी डिसीशन मेकिंग में आने से पहले कतराते हैं। उनके मन के अंदर ये भय बना रहता है कि शायद उनका ये डिसीजन उनके काम नहीं आ सकता है या फिर कहीं फ्लॉप ना कर जाए, तो इस वजह से खुल करके अपने विचारों को रख नहीं पाते और एक तरह से कहा जाए तो इनडिसिसिव बने रहते हैं। अगर दूसरे क्वालिटीज की बात की जाए तो ऐसे लोग प्रशंसा पाने के हकदार होते हैं, क्योंकि पूषा नक्षत्र को बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना गया है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पूषा नक्षत्र में जन्मे जातक एवं जातिकाएं कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफल होते हैं। हालांकि इनका बचपन 12 से 13 उम्र तक बहुत ही संघर्षमय होता है और इनको संघर्ष
करने के उपरांत 22 और 27वें वर्ष के उम्र के बीच एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त होती है। हालांकि एक और मत अनुसार 32 वर्ष के उम्र के बाद इनको सफलता का मुंह देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में कई तरह की परेशानियां दिक्कतें इनको घेरे हुए रहती हैं। शास्त्रों में ऐसा भी माना गया है और कहा गया है कि पूषा नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएं हैं वो बहुत ही अंदरूनी तौर पर जिद्दी होते हैं और अपने करियर में अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं, यानी हाईली करियरिस्टिक होते हैं। अगर किसी चीज को करने की ठान ले, क्योंकि इसके जो मालिक हैं वो शनि देवता हैं, तो ऐसे लोग किसी चीज को करने की यानी कार्य को करने की अगर एक बार ठान लेते हैं तो अवश्य ही उसे पूरा करते हैं और विद हाई प्रोफेशनलिज्म के साथ मेंटेन करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं। यह इनकी क्षमता है, क्योंकि यह पुरजोर कोशिश लगा देते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। और शनि चूंकि मालिक है तो शनि क्या करता है, परिश्रम करवाता है ऐसे लोगों को। और मैंने पहले कहा कि अधिष्ठाता देवता जो है वो है देवगुरु, तो दोनों का मिश्रण जब होता है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके लिए। तो कुल मिलाकर ये लोग जिंदगी में सफल होते ही हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण है इस नक्षत्र में ही जन्म हुआ है संगीत की देवी लता मंगेशकर जी का। तो आप जानते हैं कि वो संगीत की देवी कही जाती है, भगवान कहा जाता है उनको। अश्लेषा नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता है वो है सर्प, अर्थात इष्ट देवता सर्प को माना गया है। वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य के अनुसार श्री रामचंद्र जी के दो भाई लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव कुछ इस तरह का होता है कि वो बेसिकली नरम दिल के होते हैं, बातें भी बहुत ही लिमिटेड करते हैं, लेकिन क्रोध इनमें कुछ अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या फिर कर्म क्षेत्र में हो, इनका भाग्य इनको साथ देता है, यानी भाग्यवान होते हैं, भाग्यवती कहलाते हैं ऐसे जातक एवं जातिकाएं। और अगर इनके मेंटल क्वालिटीज की बात की जाए तो ये लोग मेहनत करने में पीछा नहीं हटते, काफी मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टैंड करवाने के लिए, अर्थात करियर में अचीवमेंट दिलवाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी पाया गया है कि ऐसे लोगों में कृतज्ञता की भावना जो है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। ऐसे लोग प्रायः आगे बढ़ने के लिए यानी करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं, या फिर यूं कहें कि ईश्वर द्वारा दूसरों के मदद द्वारा इनके जीवन का निर्माण हो जाता है। अक्सर घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इनको यात्रा करना बहुत ही पसंद होता है, पानी का यात्रा बहुत ही पसंद होता है, और ऐसा देखा भी गया है कि ऐसा करते भी हैं। ये इनके प्रकारेण शास्त्रों में ऐसा माना गया है, कहा गया है। जिम्मेदारी की बात अगर की जाए तो ये बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, यानी जिम्मेदारी से किसी काम को करना, जो काम इन्होंने अपने ऊपर एक बार ले लिया है या फिर इन्हें सौंपा गया है, उस कार्य को दक्षता के साथ करने में सक्षम होते हैं। अगर अन्य दिशा में बात की जाए तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स या फिर गायन या फिर नृत्य में भी शौक रखते हैं, खासकर इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, इनमें सफलता प्राप्त होती है। क्रिकेट फुटबॉल से हो या फिर कैरम जैसे या चेस जैसे इंडोर गेम हो या फिर निशानेबाजी से जुड़ करके कोई खेल हो, तो वहां पर इनको बहुत ही एडवांटेज प्राप्त होता है। बेसिकली ऐसे लोग अपने जिंदगी में किसी को मदद करने के उपरांत क्या होता है कि थोड़े से घबरा से जाते हैं, या फिर इनका डिसीजन मेकिंग किसी मदद करने वालों के प्रति गलत हो जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि यह किस तरह की बात है ज्योतिष शास्त्र में, तो मैं इसको थोड़ा सा खुल करके मैं बता दूं कि डिसीजन मेकिंग देने का मतलब ये जो लोगों को मदद करते हैं इनका चयन थोड़ा गलत हो जाता है। वो जिनको मदद नहीं चाहिए होता है उनको ये अक्सर मदद कर देते हैं, पहचान नहीं पाते। 36 वर्ष तक इनको अपनी जिंदगी में तकलीफ
यानी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 38 और 39 उम्र के बाद से इनको सफलता खुल करके जिंदगी में मिलती है और हर सुख की प्राप्ति होती है। नमस्कार।